लाइबा एक निकदल लड़की। एक जमाने में एक छोटे से गांव में लाइबा नामक या एक प्यारी और रहमदल लड़की रहती थी। वहां अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। लाइबा के दिल में सबके लिए प्यार और रहम भरा हुआ था। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन आसकी जिंदगी आसान नहीं थी। लाइबा सुबह सवेरे उठती और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। दिन भर वह घर की सफाई करती, खाना पकाती और अपने वालिद का ख्याल रखती। शाम को जब वह थक कर सोती तो उसके दिल में एक आमिद की कर नहमेश हैरिशन रहती। मुसीबतों के साए लाइब ही की जिंदगी पर दुखों के बादल छा गए जब उसके माँ बापा से छोड़कर चले गए। इसे अपनी जिंदगी खुद गुजारने के लिए बेहद मेहनत करना पड़ती थी। गांव वाले इसकी मदद करते, लेकिन जिंदगी के बोझ ने इसे दबा रखा था। लाइबा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कहां से अपनी जिंदगी खुद संवारनी होगी। इसने अपनी निकनीति और मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बना ली। उम्मीद की कन। एक दिन गांव में एक ऐलान हुआ कि शहजादा अपनी सालगिरह की तकरीब में तमाम नौजवान लड़कियों को मदो कर रहा है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई शहजादे से मिलने के लिए बेताब था। लाइबा के दिल में भी एक अमन जागी। वो जानती थी कि ये तकरीब इसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन लाइबा के पास कोई ऐसा लिबास नहीं था जो वो शहजादे की तकरीब में पहन सके। इसके पास न जीवरात थे और न ही खूबसूरत ज्योतियां। जादुई दावतनामा। एक दिन जब लाइबा घर पर काम कर रही थी तो उसे एक खूबसूरत लिफाफा मिला। ये शहजादे की तरफ से एक दावतनामा था। लाइबा की खुशी की इंतहा ना रही। वो शहजादे की तकरीब में जाने के लिए बहुत परजोश थी, लेकिन इसके दिल में एक गम भी था। वो जानती थी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी शहजादे की तकरीब में जाने वाली दूसरी लड़कियां होंगी। उसे डर था कि वो शहजादे को मुतासिर नहीं कर पाएगी। परियों की अता करदा हसैन रात। जब रात हुई तो लाइबा ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। वह बहुत आदास थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कहां से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इस युक्ता से अपने कमरे में एक जादुई रोशनी नजर आई। वह रोशनियां इतनी तेज थी कि लाइबा अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। जब रोशनी मध्यम हुई तो लाइबा ने देखा कहां के सामने एक खूबसूरत परी खड़ी। हर लड़की शहजादे से मिलने का ख्वाब देखने लगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। सोचो कितनी खूबसूरती से तैयार होकर जाऊंगी। काश। लेकिन लाइबा की सोतीली माँ और सोतीली बहनें बहुत जालिम थी। वो लाइबा से हसद करती थी। लाइबा की सोतीली बहनें प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ हो गए। उन्होंने महंगे कपड़े और जीवरात खरीदे। वो दिन भर लाइबा को काम में लगाए रखते। उसे प्रोग्राम में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहती थी। चलो चलो, देर हो रही है, हमें जल्दी महल पहुंचना है। रात को खूबसूरत लिबास पहनकर सोतीली बहनें महल चली गईं। लाइबा तन्हा घर में रह गई। इसका दिल टूट रहा था। वो प्रोग्राम में जाने का सोचकर बहुत रोई। अचानक घर में रोशनी फैली। लाइबा ने देखा कि एक खूबसूरत औरत खड़ी है। बेटी गम ना करो, मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूं और तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। परी ने अपना जादुई छड़ी लहराई। देखते ही देखते लाइबा के पुराने कपड़े एक शानदार लिबास में तब्दील हो गए। परी ने एक कोड़े को गाड़ी में और चौहों को घोड़ों में बदल दिया। वाह, ये सब कुछ तो जादू जैसा है। लाइबा गाड़ी में बैठकर महल पहुंच गए। इस रात लाइबा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबकी निगाहें इसी पर जम गए। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या आप मेरे साथ रकस करेंगी? रात भर लाइबा और शहजादा रकस करते रहे। उन्होंने बहुत बातें की और एक दूसरे को पसंद करने लगे। शहजादे, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन लाइबा शहजादे को अपने दिल की हर बात बता रही थी। वक्त किस कदर जल्दी गुजरता गया इसे पता ही नहीं चला।
रात के 12 बजे का वक्त करीब आ गया। ओ नहीं, मुझे माफ करे, मुझे अभी जाना होगा। लाइबा ने जल्दी से शहजादे से माफी मांगी और भागने लगी। जल्दी में इसका एक जोता सीढ़ियों पर ही रह गया। रखो, ये लड़की कौन थी? मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। ये जोता, ये मैं संभाल कर रखूंगा। लाइबा के जाने के बाद शहजादा बहुत उदास हो गया। वो इस अनोखी लड़की से फिर मिलना चाहता।